प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे क्या किसी व्यक्ति का नाम केवल संयोग से मिल जाता है या इसमें कोई रहस्य है। क्या नाम बदलने से या नाम की स्पेलिंग बदलने से बदल जाता है आपका भाग्य, और नाम रखने या बदलने में क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए। साथ ही जानेंगे नाम के पहले अक्षर का सामान्यतः क्या रहस्य है। इन सब पर विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। चलिए पंडित जी, अब आगे बढ़ते हैं और वी से लेके जेड तक के नाम का रहस्य समझते हैं। बिल्कुल। अगर आपका नाम वी अल्फाबेट से शुरू होता है, जैसे विजय, तो आरंभ में काफी संघर्ष होता है, लेकिन बाद में जीवन में काफी सफलता भी मिलती है। संतान की वजह से इन लोगों को जीवन में काफी ऊंचाइयां मिल जाती है। अगर आपका नाम W से शुरू होता है, तो या तो बहुत ऊंचाई होगी जिंदगी में, या एकदम नीचे रहेंगे, मध्य में, मिड में नहीं रहेंगे। अपराध में, क्राइम में फंसने की संभावना इनकी ज्यादा होती है। अगर आपका नाम X अल्फाबेट से शुरू होता है, तो कला, संगीत, फिल्म आदि क्षेत्रों में सफलता मिलती है। दुर्घटनाएं भी जीवन में बहुत होती हैं, लेकिन ऐसे लोग गोपनीय शक्तियों के स्वामी होते हैं। ऑकल्ट पावर्स कभी कभी इनके पास पाई जाती है। वाई अक्षर, अगर आपका नाम वाई अक्षर से शुरू हो रहा है, तो ज्ञान और वैराग्य इस अक्षर में बहुत होता है। अक्सर भौतिकता से निकल करके सन्यास की ओर जाते हैं। जेड अल्फाबेट, अगर आपका नाम जेड से शुरू होता है, तो क्रोध बहुत होता है, साहसी बहुत होते हैं, ताकतवर बहुत होते हैं, लेकिन प्रेम के मामले में अक्सर इनको अपयश मिल जाता है। लिखते बड़ा अच्छा हैं, एक्सप्रेस बहुत अच्छा करते हैं, लेखन और अभिव्यक्ति की शक्ति इनके पास बहुत बढ़िया होती है। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। बिल्कुल पंडित जी, हमने ये समझा कि किस तरीके से आपके अक्षर से आपकी ज़िंदगी में क्या उतार चढ़ाव आपने झेले होंगे या देखे होंगे, या आगे भविष्य कैसा रहेगा। जब शादी में हम लोग कुंडली देख रहे होते हैं पंडित जी, तो क्या ये अक्षर का मिलान भी उतना ही आवश्यक है, लड़की का अक्षर, लड़के का नाम का अक्षर? बहुत ही सही सवाल पूछा अर्पिता। देखिए, होता क्या है, जब किसी बच्चे का जन्म होता है, तो जिस नक्षत्र में होता है, उस नक्षत्र के पास एक अक्षर होता है जी। वो अक्षर ये बताता है कि उसकी पर्सनैलिटी जीवन में कैसी होगी, और आम तौर पे उसको हम उस नाम से हम राशि का नाम रखते हैं, और राशि का नाम हम दूसरों को नहीं बताते, क्योंकि राशि का नाम अगर हम दूसरों को बताएंगे तो वो हमारी ताकत और कमजोरी जान जाएगा। जैसे मान लिया किसी व्यक्ति का जन्म हुआ अश्विनी नक्षत्र में, तो उसका नाम च अक्षर से रखा जाएगा। वो च अक्षर उसकी राशि का नाम होगा जो गोपनीय रहेगा। विवाह के समय में इसी राशि के नाम को मिलाया जाता है कि लड़की के अंदर जो प्लस माइनस है क्वालिटी है, या लड़के के अंदर जो प्लस माइनस है, उसको मिला करके देखा जाए कि दोनों मिल पाता है या नहीं जी। लेकिन ये आपके पुकारने के नाम से संबंध नहीं रखता है जी। ये आपके जन्म के नक्षत्र के नाम से संबंध बनाए रखता है। बिल्कुल। और एक और छोटा सा सवाल मेरे मन में आ रहा है, बहुत सारे लोग जो आपका प्रथम नाम है, जो सब जगह आप स्कूल में लिखवाते हैं, अपने ऑफिस तक आपका नाम होता है, वो बहुत सोच समझ के या अच्छा नाम रखते हैं, लेकिन घर में वो डब्बू, बेबी, बाबू, इस तरीके के नाम रख देते हैं, उसका क्या असर पड़ता है और इससे क्या नुकसान उनको हो सकता है? बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो तीन चार नाम से बुला रहे हैं, दादा किसी और नाम से, दादी किसी और नाम से, तो क्या उसका भी असर पड़ता है? जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम अपने नाम का प्रयोग खुद नहीं करते हैं, ज्यादातर हम अपने आप को तो पुकारते नहीं है,
तो जो जिस नाम से हमें पुकारता है उसे उस नाम के वैसे ही परिणाम प्राप्त होते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा वो बहुत सही बात है कि जिस नाम को आप बार बार पुकारते हैं, चाहे वो घर का ही नाम क्यों ना हो, वो नाम अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बार बार भगवान का नाम लेंगे, अच्छा नाम लेंगे, तो वो आपके मन के ऊपर अच्छा असर डालेगा। दादाजी बच्चे को राम कहते हैं, पिताजी बच्चे को डब्बू कहते हैं, तो दादाजी के ऊपर राम वाला असर पड़ेगा और पिताजी के ऊपर डब्बू वाला असर पड़ेगा। इसलिए बच्चे का 10 नाम रख दीजिए, लेकिन हर नाम का अर्थ होना चाहिए। और नाम का जितना सुंदर अर्थ होगा, जितना अच्छा होगा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि भगवान का नाम रखिए, ताकि इसी बहाने आप दिन में 10-20 बार 50 बार भगवान का नाम बोल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर हमसे बात करने के लिए। और इसमें हमने जाना कि आपके नाम से आपकी जिंदगी में क्या बदलाव, क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।